Murtabat. Hello, Sarkar. Murtabat. 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 Jutta Mukhyamantri Murtabat. 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 Jutta Mukhyamantri Murtabat. 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 Jutte vaade nahi chalenge. झूठे वादे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद नमस्कार। इस समय आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां सीएमओ ऑफिस के बाहर आज तमाम जो आशा वर्कर्स हैं वो धरने पर आई हैं, प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। और केवल करनाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आज इसी तरीके से जो आशा वर्कर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उनका कहना है कि वे लगातार अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी सेवाओं में लगी हुई हैं, उनसे जाके पूरी पूछताछ की जाती है कि वे ठीक है या नहीं, किस तरीके की परेशानी तो नहीं है, सैंपलिंग की जाती है, लेकिन किसी भी तरीके की किट्स हमें नहीं प्रोवाइड की गई है। हमारे साथ यहाँ पर जिला प्रधान है, उनसे एक बार हम बातचीत करना चाहेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या मांग है आपकी, क्यों आप लोग आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारा मांग का मेन मकसद यही है, सरकार ने हमें मजबूर किया भी हम आज अपनी हड़ताल करें। अगर सरकार हमें साथ के साथ इन आशाओं की सेफ्टी और इनको जो उपकरण जरूरी है फील्ड के बीच में, इनको जरूरी उपकरण दिए जाते तो हम आज हड़ताल पे नहीं होंगे। सरकार ने ना तो आशा वर्करों को सैनिटाइजर दिया, ना मास्क दिया, ना ग्लव्स दिए और ना फेस किट दिया। और दूसरी बात, पहले तो सरकार ने 50 लाख का बीमा करा था आशा वर्करों का, अप्रैल से वो भी खत्म कर दिया। 10 लाख मुआवजा था वो भी खत्म कर दिया। अब आशा वर्कर कोरोना पॉजिटिव भी होने लग रही, 2-3 आशा वर्कर हमारी गुजर भी चुकी हैं। यूं बताओ सरकार, ये जो परिवार से गई हमारी आशा वर्करों की हमें क्षति हमारे बीच से गई, उनके परिवार को कोई भी उनको मुआवजा नहीं मिला, न उनके परिवार वालों को कोई सुरक्षा मिली, ना उनमें से किसी को नौकरी मिली, जबकि सरकार ने पहले हमें ये लेटर निकाला था भी जो भी आशा वर्कर गुजरे कोविड के दौरान उसको 50 लाख का बीमा भी, 10 लाख मुआवजा भी ये दिया जाएगा, और परिवार में से कोई भी पढ़े लिखा उनके मेंबर आया कोई भी उनको नौकरी दी जाएगी ऐसा की जगह। तो अब ये तो सरकार ने कर दिया खत्म, और हम इसी करके सड़क पर उतरना पड़ा, एक दिन के लिए भी हमें यह सुविधा पूरी की पूरी दी जाए। और आशा वर्करों को हर महीने 10,000 जो जोखिम भत्ता है वो आशा वर्करों को दिया जाए हर महीने, क्योंकि इस कोविड के दौरान आशा वर्करों का कैंप